कोरंगी से आए हुए हम लोग यहाँ लेने के लिए। क्या कोरंगी से आए? पूरे औरंगी में ऐसा कोई पैकेज नहीं आया जिससे अपने होश संभाले। आज पहली मरतबा ऐसा आया है जो पैकेज दिया है, वरना कोई नहीं देता सर इस वक्त में और इस महंगाई में। दूध 4 रुपए किलो दिया, 50 रुपया और दही, दही 20 रुपया यानी 80 रुपए किलो। अच्छा, क्या आपको कैसा लगा ये कदम जो उठाया है हमारे भाई ने? सही है, कदम तो बहुत अच्छा है। सही है। अच्छा, अमूमन होता ही है जब कोई हमारे मुल्क में सस्ता काम करने जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये कोई लोकल या डुप्लीकेट काम हो रहा है, दो नंबर काम हो रहा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप पीछे नाम देख सकते हैं, स्वाद स्वीट्स एंड बेकर्स। ये अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको रमजान मुबारक। और दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन नंबर 11.5 में इस्लाम चौक के ऊपर। पीछे आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त किस्म का रश लगा हुआ है। ये रश कोई मतलब यहाँ लंदन नहीं है, कोई इफ्तार पार्टी नहीं है। यहाँ पे दूध और दही बेचा जा रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए किलो दूध है और 80 रुपए किलो दही है। यहाँ आप आएंगे तो आपको 50 रुपए किलो दूध और 80 रुपए किलो दही मिलेगा। हालांकि हम बाकी शहरों में अगर बाकी जगहों पे देखते हैं, अपने शहर कराची में, तो दूध हमें मिलेगा 210 रुपए किलो और दही मिलेगा 320 रुपए किलो। लेकिन ये एक वाहिद ऐसा प्लेस है जो कि इतनी महंगाई में और रमजान के वक्त बहुत ही सस्ता और मुनासिब दूध और दही अवेलेबल है। चले फिर हम पूछते हैं अपने शॉप वाले भाई से कि भाई ये कैसे पॉसिबिलिटी है, कैसे ये दे रहे हैं इस रेट में जबकि दूसरे लोग नहीं दे रहे। चले वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। आओ मेरे साथ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन भाई, माशाल्लाह ये इतना जबरदस्त किस्म का नेक काम होने जा रहा है। आप जैसे भाइयों ने इसमें जिन्होंने भी किया, जिसने भी किया, अल्लाह ताला उसको जजाए खैर, अल्लाह जजाए खैर दे। अच्छा, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को एड्रेस बता देंगे आप इस जगह का? एड्रेस सलाम चौक है, 11.5 है द्वाद चौक, और साथ में स्वाद बेकरी अरविंद शर्मा जो है ये मेरे बेटे का है। ठीक है। और यहाँ पे मतलब टोकन लेके इधर ही लैंड। जबरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा यासीन भाई हमें थोड़ा सा टाइमिंग वगैरह बताते हैं हमारे व्यूवर्स को कि किस टाइम की? 4 बजे से लेके 6 बजे तक आके लाइन में लगना होगा, टोकन लेना होगा, उसके बाद ये मिलेगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सफेद पोश है, जो इसके हकदार हैं, जो जाके घर में अपने बच्चों को अपनी बीवी को बता सके कि मैं खरीद के लाया हूँ, मांग के नहीं लाया हूँ, भीख नहीं लेके आया हूँ, मैं खरीद के लाया हूँ। ये उन लोगों के लिए है, ये मालदारों के लिए, खाते पीते लोगों के लिए नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए है। सही बात है। इसलिए जजाक अल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। 10 लोग है, 10 बातें और कुछ नहीं है। जिसको समझ में आ रहा है मोस्ट वेलकम, नहीं समझ में आ रहा है वहाँ चले हैं। मुझे समझ में आ रहा है, हम ले रहे हैं, आज लेंगे, समझ में आएगा पियेंगे, नहीं समझ में आया नहीं पियेंगे। बिल्कुल समझ रहे हैं। वो रश लगा हुआ देख के पागल हो गए, इतना रश लगा हुआ, वो रश देख के चले गए समझ में। ऐसे तो बहुत इंसान जैन काम कर रहा, तो उल्टा सीधा हो गया। सही बात है, मतलब हमारे गवर्नमेंट तो कुछ करेगा नहीं। तो रस्ता ये कि लाइन इतना लंबा है, नंबर हम लोग आएगा नहीं आएगा ये पूछना चाह रहे हैं आपसे हम। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। देखिए लाइन तो देखिए इतना लंबा है, अल्लाह आसानी करे। औरंगी टाउन कोरंगी से आए हुए हम लोग यहाँ लेने के लिए। क्या कोरंगी से आए? पूरे औरंगी में ऐसा कोई पैकेज नहीं आया जिससे अपने होश संभाले। आज पहली मरतबा ऐसा आया है जो पैकेज दिया है, वरना कोई नहीं देता सर इस वक्त में और इस महंगाई में। और आपको पता है कितना रेट बढ़ चुका है, आए दिन रेट बढ़ चुका है, इतना रेट बढ़ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है? अमीर हुसैन। सर दूध वूध ले लिया माशाल्लाह आपने, कितना दिया? एक पाव दही और 1 किलो दूध। अच्छा, 1 पाव दही और 1 किलो दूध। तो दूध 4 रुपए किलो दिया, 50 रुपया और दही, दही 20 रुपया यानी 80 रुपए किलो। अच्छा, क्या आपको कैसा लगा ये कदम जो उठाया है हमारे भाई ने? सही है, कदम तो बहुत अच्छा है। सही है, नेक काम कर रहे हैं और रमजान के बाबरकत मौके पे। हाँ चले, जजाक अल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन जरा आसानी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ ये मैं कहाँ तक लोग गए, कब तक मिले? बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करेगा। अभी ये वाली आसानी हुई है ना, वो आसानी भी हो जाएगी।